क्या लगा रखा है सुबह सुबह? अच्छा सुनिए, मैं जरा नहा के आती हूँ, आप जरा शैलेंद्र को संभालिए। अच्छा रोए तो ना डायपर बदल देना। ला 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 ला। मैडम एक मिनट, बता रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ मैडम। मैंने बताया ना कि मैंने कुछ नहीं किया मैडम, जिंदगी क्या बड़ा खचा। पर हाँ ये सही है कि उस रात केतली मेरे घर आई थी। आई थी क्या करने आई थी यार? बताओ ना, शर्माओ ना, अपनी बंदे हैं यार, बताओ ना। हाँ इसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बता दो इसे। अबे जिंदगी का टमाटर फूट चुका है, लेकिन जवानी का टमाटर सांस पिए बिना रहा ना जा रहा बुढ़ाऊ से। कैरी ऑन। अबे बोल बे। देखिए दरअसल बात यह मैडम कि मैं कुंवारा हूँ। मैडम कुंवारा हूँ लेकिन मैडम मैं भूखा हूँ, मतलब कि मुझे भूख बहुत लगती है मैडम, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी मॉडल होती है ना उसे मैं अपने घर बुला लेता हूँ खाना बनाने के लिए और घर की साफ सफाई करने के लिए। जिंदगी कैमरा खचा। अच्छा जी, अच्छा। और वो इस तरह से जगत नौकरानी बनने के लिए जो है क्यों राजी हो जावे मॉडल? वो इसलिए मैडम क्योंकि मैडम मैं उन्हें डरा देता हूँ कि मैं उनकी इतनी बकवास लाइटिंग में फोटो खींचूंगा कि वो बहुत भद्दी दिखेंगे और सब मॉडलिंग वाले बोलेंगे कि अरे कितनी बकवास बदसूरत सी लड़की है, इसको हटाओ। जिंदगी कैमरा खचाक, और उन्हें कोई मॉडलिंग वाला जो है घास भी नहीं डालेगा। पता है इसने मुझसे झगड़ा कर लिया और पता नहीं क्या बात हुई, वहां से भाग गई, ये भागी जिंदगी कैमरा खचाक, तो मैडम मैं भी पीछे पीछे भागा, भागता गया। और फिर भागते भागते मैंने सोचा कि भाई मैं क्यों भाग रहा हूँ, अरे जब ये भाग रही तो भागने दो, और भी तो मॉडल है बाजार में, उन्हें बुला लूंगा जिंदगी कैमरा खचाक। लेकिन मैडम वो भाग के कहाँ गई, उसका क्या हुआ, ये सब मुझे कुछ नहीं पता मैडम। जिंदगी कैमरा खचाक, सच कह रहा हूँ। गोपी बिल्लू। हाँ जी जी मम्मी जी। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग जरा इसके संग वहाँ जाओ जहाँ पर इसने जहाँ तक उस छोरी को भगाया था, और उसके आसपास जो भी एरिया है वहाँ पूछताछ करो। चलो ओके। हाँ चलो हम भी आते। नहीं नहीं आप कहीं नहीं। यो! ए, चलो 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 जी, जिंदगी कैमरा है। हाँ खींचेंगे, चलो चलो। अरे अबे हम क्यों ना जाए, हम भी केस में जरा इन्वॉल्व होना चाहते। अरे तुम चले जाओगे तो सिलेंडर को कौन संभालेगा? कौन सा शैलेंद्र, कैसा शैलेंद्र, ये तो बच्चा भी नया मिस्टर होटल, ये तो डॉल है डॉल। भाई डॉल तो यो अभी है ना, कल को देखो ऐसा है हमारी जो है बढ़िया शादी होगी, टेंट वेंट जमेगा बढ़िया वाला, गेंदे के फूल वूल लगेंगे, फिर हनीमून वगैरह पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, खुशखबरी होएगी, बच्चे अच्छे होंगे। तो अब जब बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें कौन देखेगा घर में है? मतलब मैं तो आऊंगी ड्यूटी पे चौकी, तो आप यानी तुम यानी तू तो घर में रहेगा ना बच्चे संभालने, तब तक डॉल पे प्रैक्टिस कर ले। मिस चौटाला हम कह रहे हैं आपसे, हमारे पास ना है, हम शादी नहीं करने वाले किसी से, आपसे तो ना करेंगे हम। क्या हो रहा है? मैं नहा ली। रोया तो नहीं ना? ऐसे क्या दिख, तुम बहुत नॉटी हो। अच्छा सुनो ना, वो तो भी आया नहीं अभी तक मेरी सलवार कमीज लेके, जरा भाग के जाके ले आओ ना, लाओ इसे मैं संभालती हूँ शैलेंद्र को। आ जा आ जा आ जा। कुछ हुआ था क्या? ओ बिल्लू बेटा अपने कपड़े देख, ये देख, अपने सर पे देख, बहुत कुछ हुआ था समझे, बहुत कुछ। मिस चौटाला यहाँ की औरतें क्या हमसे मर्द भी शादी करना चाहते हैं? क्या हो रहा है हमारे साथ, हम नहीं करना चाहते किसी से शादी। अरे शादी तो थारा बाप भी करेगा। तो अगर ऐसी बात है तो कर लीजिए हमारे डैडी के साथ शादी। अरे ऐसे कैसे? एक मिनट सर, यही वो जगह है जहाँ तक मैंने आखिरी बार केतली को देखा था, इसके बाद फिर मैंने कहा अरे जाती है तो जाने दो, मैं क्यों पीछे भागू, जिंदगी कैमरा खचाक, मैं चला गया था। भैया क्या हुआ? भैया क्या हुआ? भैया मुझे भैया कहता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ यार, काम के वक्त तो ना कहना भैया यार। चलो जल्दी जल्दी ढूंढो सबूत इसका, मेरी सास है एकदम यमदूत इसका। चलो भैया अब क्या है? नहीं कुछ नहीं।
ओ बिल्लू भैया वहां मत चढ़ो, वो मत जो पेड़ पे मंगा कान के नीचे एक है? तू मुझे क्यों भैया कहता है? तेरा क्या मतलब है? कोई भी मुझे भैया कहेगा मैं इमोशनल हो जाऊंगा। ठीक है, नहीं कहता दादाजी। भैया क्या है ये देखो मोबाइल, ये तो केतली का मोबाइल है, जिंदगी कैमरा खचा। हाँ? Oh my gosh! Well, mom, हमें उस फोटोग्राफर के घर के पास से मिला है केटली का फोन, इस दा जो नहीं हो रहा ऑन इस दा। ये फोन तो चालू होगा नहीं, ये तो लगता है गिरने की वजह से टूट गया अंदर से। मोबाइल के मैकेनिक को बुलाओ जल्दी। पहले ही बुला लिया मैंने, मुझे पता ही था मेरा एक दोस्त है बचपन का, वो मोबाइल चुराता है, मोबाइल बनाता है, उसको बुलाया मैंने, अभी बस आता ही होगा वो। तोता, मैना, कबूतर, हाथी। अरे यार यार, तू पुलिस वाला बन गया, बचपन में चोर चोर खेलते थे, आज पुलिस वाला बन गया, हसीना हैरान है। और पता, जब से तू गया ना, सारे मोहल्ले की लड़कियों को अकेले संभालना पड़ता है। क्या बात कर रहा है यार, वो मेरी वाली कमसिन कोचर कैसी है? वो एकदम बढ़िया है यार, कल ही मिली थी, थोड़ी सी मोटी हुई है बस। और पता, तुझे याद कर रही थी, बिल्लू भैया का। शाबाश, तू निकल यहाँ से, तू सस्पेंड है, अब मैं देख लूंगी कमिश्नर साहब का जो भी है, तू निकल यहाँ, तेरी ड्यूटी कुछ नहीं ना। नहीं मैडम सॉरी, मैं जरा बह गया था जरा। Well, ये फोन नहीं हो रहा सही इज़्ज़ा, मैंने मांगी पप्पी, लप्पी ने कहा नहीं इज़्ज़ा। ये अरे ये नो। अरे यार कौवे तो बेइज्जती कराएगा। अरे कब, अरे अरे ये क्या, ये खुलता कैसे? हो गया खुल गया ना, देख। करेगा कर लेगा। कैसी लगती, कैसी करना यार, चंपा कैसी है? ठीक है, बुझा ठीक है। ओ एक एक सर, सर देखिए ऑन हो गया। एंड मैडम गुस्से में। अरे मिस्टर डाला वापस आ जाइए, ऑन हो गया। मिस्टर डाला ये आप देख रही हैं? काफी दाढ़ी आ गई है भैया आपकी। माथे पे भी आ गई थोड़ी दाढ़ी है। ये भौंय नहीं रखा करो ना, अच्छी नहीं लगती भैया। भौंय बोलो, आईब्रो। हाँ निकाल दो, ये निकाल दो। अच्छा लगूंगा? हाँ देख लो यार भौंय। पलके भी निकाल देता हूँ। देख ला यार तुम्हें, जैसे तेरे को ठीक लगे, मतलब हैंडसम लगना चाहिए बस। चेहरा चिकना हो जाएगा ना फिर। सॉरी सलून नहीं, थाना ही है। पार्ट टाइम। तो मैडम ने मुझे कुछ बुलाया था, कहा है? आवाज दो, मम्मी जी अपने आप आ जाएंगी। मैडम आपकी मम्मी जी है? या मम्मी, अरे मैडम
मैडम, एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ, देखे 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 देखे, हमने बुलवाया है तुम्हें, है ना? बुलवाया ना? हैं। हाँ हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे क्यों बुलाया गया है? देखिए प्लीज जरा जल्दी बताइएगा, क्योंकि शूटिंग के लिए देरी हो रही है। अबे तेरे को भेजेंगे हम, लेकिन शूटिंग पर नहीं बैठ, सीधा जेल के अंदर, वहां जाकर अपनी शूटिंग करना, समझा? एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ समझा नहीं। Well, शक्ल से नहीं लगते हो तुम इतने भोले इज़दा, मेरी सास बरसाती है मुझ पे बम्प के गोले इज़दा। भाई ऐसा है, जरा तुम मने एक बात बताओ, हम जानना चाह रहे इफ इट इज नॉट वेरी इंट्रूसिव, तुम्हारे जो है अपनी मॉडल के नाम है उसका केतली के संग कैसे रिलेशनशिप हो रहे हैं? जस्ट सिंपल रिलेशन, लाइक आई एम द एड मेकर और वो मेरी मॉडल थी, बस। नहीं मतलब तुम्हारे कहने का यू है कि सिर्फ जो है प्रोफेशनल रिलेशन हो रहे हैं। मैंने कई बार ऐसा हो जावे कि एक साथ काम करते हुए लोगों को आपस में कुछ प्यार वगैरह हो जावे, ये बहुत ही कॉमन सी बात है, कुछ लोगों की ना आती समझ में, बट आई डोंट नो, पर तुम्हारे मतलब प्रोफेशनली है रिलेशन? नो 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 मैडम, टोटली प्रोफेशनल रिलेशन, माने आई एम एड मेकर और वो मेरी मॉडल, या सब्जी के साथ पूरी फ्री। अच्छा, काम करते ना तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही होना चाहिए, हम कह रहे तुमसे हमेशा, समझे? ये बात ना याद रखना हमेशा है। तो अगर तुम्हारे लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही थे, केस पे ध्यान देते जरा हम, तो ओके, तो जिस दिन केतली गायब हुई उस दिन 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में तुमने केतली को 34 टाइम्स मिस कॉल काहे दिया बे? हाँ हाँ सही बात है भैया, 34 टाइम क्यों भैया, कोई किसी को फोन करेगा? एक्चुअली व्हाट हैपेंड, हाँ जी वो बोल। या मैं मैडम बताता हूँ मैडम, एक्चुअली बात यह है कि मैं केतली का ढक्कन बनना चाहता था, उसकी ब्रेड का मक्खन बनना चाहता था। मैडम मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करती थी, मुझे घास भी नहीं डालती थी उसके बॉयफ्रेंड की वजह से। लेकिन मैडम एक बात मैं आपको बता दूं, गारंटी के साथ बताता हूं कि ये केतली के गायब होने के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट, या आई एम डैम श्योर। और हम ये बात मान ले हैं? मैं समझ गई। कोई बात नहीं, आप वर्जिश पे ध्यान दीजिए मस्कल मैन। हो गया भैया? हो गया। शीशा तो दिखाओ जरा। ओह माय गॉड, बहुत गोरा लग रहा हूं मैं। सो ब्राइट, या हेलो, हाउ डू यू डू? क्या बात है मैडम, आप इस तरह से मेरे घर में नहीं घुस सकते, प्यार परमानेंट है। भाई घुसने का तो ऐसा है कि हम कभी भी कहीं भी कैसे भी घुस सकें, और घुसाने की बात यह है कि हम कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी में भी कितनी भी गोलियां घुसा सकें। और घुसने की बात हो ही रही है तो गोपी और बिल्लू जरा इसके कमरे में घुसो और देखो कोई अंदर है कि ना है। ओके कम ऑन। बाल बाल बढ़ा के दबा, क्या बात है भैया, नर्वस काहे लग रहे हो? है सर, मुझसे ज्यादा नर्वस तो आप लग रहे हो। अबे चल चल। मिस्टर डल, आप ये सीडीवीडी ना मारी है? अबे मिला क्या? वाला मॉम, शी इज केटली इज द, आई लाइक सेलिना जेटली इज द। अबे बूढ़ा हाथ छोड़ उसका।
हाँ तो इस लड़की को तुमने यहाँ छुपा के रखा था है? बिल्लू अरेस्ट कर ले। ये है केतली, काफी लंबी है। अबे बुलक्कड़ हमें अरेस्ट कर रहा है। एक ना एक दिन तो होना ही है अरेस्ट, हाउस अरेस्ट, चाहे अपना नहीं मतलब करिए, हमारा फर्ज है कहना। हाँ बोल ही जरा, क्यों कराता नहीं वो सब? मैडम मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि केतली को मैंने गायब किया है? हम बताएं, हमसे पूछ रहा है। अबे उसका फोन मिला था हमें, जिसको हमने ठीक भी करा लिया और स्विच ऑन भी करा लिया, और फिर देखा कि कितने लोगों ने इसे फोन कराया जब वो गायब थी। इसके सारे जो है जितने भी जानने वाले थे, जितने जानकार, सब ने चिंता में इसे फोन करा, और कई लोगों ने तो कई कई बार करे। मेरे दोस्त ने किया, लेकिन एक आदमी ने इसे बिल्कुल फोन ना करा, और वो था इसका बॉयफ्रेंड, यानी कि तू। अब भाई प्रेमी लवर बॉयफ्रेंड तो मतलब सबसे ज्यादा फोन करना चाहिए, और तेने एक भी ना करा। फिर जब अगले दिन वो एड एजेंसी का मालिक के संग तू आया चौकी में, तो मालिक ने कहा एड एजेंसी वाले ने कि भैया मैंने तो इसे बड़े फोन करे थे, कई सारे मिस्ड कॉल मारे थे हैं यो जानने के लिए कि कहाँ हो, केतली ठीक हो कि नहीं, गायब कैसे हो रखी हो। तो तेने भी लगभग सेम स्टेटमेंट दिया, हालांकि तेने एक भी फोन ना करा था, बस वही झूठ था पकड़ा गया, और एज यू कैन सी वी आर हियर। हाँ मैडम ये सब मैंने ही किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि केतली उस मैगजीन के कवर पेज पे आए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं उसे हमेशा के लिए खो देता, जबकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार परमानेंट है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।